Complete Attu. It's all about learning. इतनी अमाउंट में पानी डालने पर भी ये आग बिल्कुल नहीं बुझती है। सेम टू सेम जैसे आप पानी फायर एक्सटिंग्विशर से भी ये आग बुझती नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कंप्लीट एजु एंड आई एम योर फायर एक्सपर्ट। नाम तो याद ही होगा, मनोज भार्गव। हमारी पिछली वीडियो कंबशन में हमने यही तो सीखा था कि आग या फायर या फ्यूल कैसे बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी फ्यूल को एफिशिएंटली कैसे बर्न कर सकते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से। पिछली वीडियो में हमने सीखा आग कैसे जलाते हैं, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे आग कैसे बुझाते हैं। जब हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं, मैटर को जलाते हैं, जनरली वो जलता है कार्बन के द्वारा। जितने भी पदार्थ हैं आपके पास वो सब के सब कार्बन बेस्ड हैं और इन्हें जलाने पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है CO2। जैसे हम इस पदार्थ को यदि जला के देखें, तो आप देख सकते हैं जनरली जो कार्बन बेस्ड पदार्थ जलते हैं वो इस प्रकार की फ्लेम के साथ जलते हैं और इन्हें आसानी से आप बुझा सकते हैं किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से। यदि आप इस जलते हुए पदार्थ पर सामान्य जनरल जो वाटर है आपके पास पानी, उसकी बुछार डालते हैं तो भी ये आग जो है वो बुझाने का कार्य कर देती है। यदि सेम टू सेम ये आग जो जल रही है इस पे आप किसी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर को प्रयोग करें तो ये भी फायर एक्सटिंग्विशर इसको आसानी से क्या कर देता है, बुझा देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि सामान्यतः पदार्थ किस तरह से जलते हैं और इसी क्रम में अपने आगे देखते हैं कि धातु किस तरह से जलती है। यहाँ पर हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम धातु का। मैग्नीशियम धातु हाई रिएक्टिव मेटल्स में आती है और अगर आप इसे जलाने की कोशिश करें तो देखें ये किस प्रकार से जलती है। नाउ यू कैन सी मैग्नीशियम मेटल हैज स्टार्टेड बर्निंग एंड इट्स बर्निंग विद ए वेरी ब्राइट फ्लेम। यू कैन इजीली सी द मैग्नीशियम मेटल बर्निंग विद वेरी ब्राइट फ्लेम एंड इट इज बर्निंग वेरी वेल। नाउ वी वॉन्ट टू पुट आउट द फायर ऑफ मैग्नीशियम मेटल। हम इस आग को बुझाना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्राई करते हैं पानी के साथ कि क्या ये आग पानी से बुझ सकती है। तो देखो मैं थोड़ा दूर हूं प्रिकॉशन के साथ और इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूं सेम टू सेम फायर बॉटल पानी के साथ। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करता हूं हम देखते हैं क्या होता है। जैसे ही पानी डाल रहे हैं आप देखो पानी डालने के साथ साथ ये आग बुझती नहीं है जबकि आग ज्यादा जल रही है, क्योंकि ये है मेटल फायर्स जो पानी से नहीं बुझ सकती हैं। मैंने कितना भी पानी डाल दिया, पानी डालने पर ये आग बुझ नहीं रही है। आप देख सकते हैं इतनी अमाउंट में पानी डालने पर भी ये आग बिल्कुल नहीं बुझती है। सेम टू सेम जैसे जैसे आप पानी स्प्रिंकल कर रहे हो वैसे वैसे आग ज्यादा जल रही है। और अगर हम डालें फायर एक्सटिंग्विशर तो फायर एक्सटिंग्विशर से भी ये आग बुझती नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम सेम मैग्नीशियम मेटल को बर्न करने वाले हैं बिना एयर के, बर्फ के अंदर रखकर। इसे ऊपर से कवर कर देंगे कंप्लीटली, यहां पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होगी। फिर भी हम देखते हैं क्या मैग्नीशियम बिना एयर के जल पाता है बर्फ के अंदर पूर्ण रूप से ढका हुआ। कंप्लीटली इसको ऊपर से भी ढक देंगे फिर भी क्या मैग्नीशियम जल पाता है, तो जलाने की कोशिश करते हैं। सेम टू सेम हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है और इसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब की बार ये मैग्नीशियम मेटल किस में रखा गया है, बर्फ में। तो देखते हैं क्या बिना हवा के भी मैग्नीशियम मेटल जल पाता है। नाउ यू कैन सी द मैग्नीशियम इज बर्निंग, इट इज इन द हॉल ऑफ आइस एंड नाउ वी आर गोना कवर इट, है ना। हम इसको करने वाले हैं कवर बर्फ के अंदर रखे हुए मैग्नीशियम को, ताकि बिल्कुल भी हवा इस तक ना पहुंचे, है ना। और बिल्कुल भी हवा नहीं पहुंच रही है तो आप देख सकते हैं बूम। तो देखा आपने कैसे पानी या फायर एक्सटिंग्विशर शुरुआत में तो आग को बुझा पा रहे थे, लेकिन बाद में जैसे ही पानी डाला या फायर एक्सटिंग्विशर को स्प्रे किया आग बढ़ती ही चली गई। ऐसा क्या कारण रहा, आपके मन में सवाल तो जरूर आएंगे। तो देखिए कैसे ये कंसेप्ट काम करता है, केमिस्ट्री ऑफ फायर।
जनरली जब भी हम किसी पदार्थ को जलाते हैं, आप एग्जाम्पल लें फायर में, किसी भी पदार्थ को जलाने में आप एग्जाम्पल लें लकड़ी का, कोयले का, पेट्रोल का, डीजल का, जनरली किसी भी फ्यूल CNG LPG का, तो उनमें बर्न करने के लिए मेनली होता है कार्बन। और कार्बन जब बर्न होता है तो अपनी पिछली कंबशन वीडियो में हमने ये सीखा है, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और बनाता है CO2। और इस बर्निंग की प्रोसेस में लगी हुई आग को अगर आप पुट आउट करना चाहते हैं, बुझाना चाहते हैं, तो आप ऊपर से डालते हैं पानी, वाटर H2O, जो वहाँ पे प्रेजेंट ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कर देता है, ऑक्सीजन को वहाँ से कर देता है रिमूव, और पानी आ जाएगा तो कार्बन में ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो जलने की प्रोसेस क्या हो जाएगी, बंद। सेम टू सेम आप फायर एक्सटिंग्विशर फ्लो करवाओ, स्प्रे करो इसके ऊपर, तो वो जो भी मटेरियल है, जनरली फायर एक्सटिंग्विशर्स में CO2 गैस या कोई फॉर्म स्प्रे है जो इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देगी, तो कार्बन को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसलिए आग जलना हो जाती है बंद। लेकिन जब अपने बात करते हैं किसी भी मेटल फायर की, जैसे प्रैक्टिकल में सेकंड टाइम हमने जलाया था मैग्नीशियम मेटल को, किस मेटल को जलाया, मैग्नीशियम मेटल को, तो वहाँ भी बर्निंग की प्रोसेस तो वही थी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है एंड इट मेक्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जब इसको बुझाने के लिए आप ऊपर से डालते हैं पानी, वाटर जैसे ही डाला तो अपनों ने देखा वीडियो में, वाटर स्प्रिंकल किया तो आग फायर बढ़ गई, ज़्यादा वाटर डाला तो फायर की इंटेंसिटी और भी बढ़ गई, तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पर? तो जनरली आप सभी जानते हैं वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें पहले से ही क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सीखने वाली कि मैग्नीशियम मेटल, जनरली सारे मेटल होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, विद्युत धनात्मक, ऑक्सीजन ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रो नेगेटिव, विद्युत ऋणात्मक मेटल है। तो मैग्नीशियम या जनरली एल्यूमिनियम, किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ होती है सबसे ज़्यादा। तो जैसे ही आप किसी मेटल फायर को पुट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गलती हो जाती है बच्चों से, कैसे कि मैग्नीशियम मेटल बुझाने के लिए आपने डाला पानी, आग जल रही है, टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो पानी के टच में जैसे ही आएगा, पानी में से ऑक्सीजन निकाल के खुद उस ऑक्सीजन को यूज़ करता है फॉर बर्निंग और बनाता है MgO। तो आप आग बुझाने के लिए जो पानी डाल रहे हैं, वो पानी खुद उस मेटल को प्रोवाइड करवा रहा है क्या, ऑक्सीजन, एंड दैट इज़ द इसेंशियल एलिमेंट फॉर बर्निंग, जो कि हमने कंबशन वाली वीडियो में भी सीखा। सेम टू सेम आप कोई फायर एक्सटिंग्विशर लाओ, है ना, जनरली उनमें कौन सी गैस आती है आग बुझाने के लिए, CO2। CO2 में भी सेम प्रोसीजर है, ऑक्सीजन बॉन्डेड है किसके साथ, कार्बन के साथ, लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो CO2 में से मैग्नीशियम कार्बन सेपरेट करके ऑक्सीजन ले आएगा, CO2 से में से भी ऑक्सीजन आ रही है किसके पास, मैग्नीशियम के पास, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो CO2 रिलीज करेंगे उसमें से भी ऑक्सीजन ही मिल रही है मैग्नीशियम को बर्न होने के लिए, ऑक्सीजन की क्वांटिटी पानी डालने पे भी बढ़ जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर डालने पे भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ी रही है, इसीलिए मेटल फायर्स जनरली वाटर, या आपने लास्ट में देखा बर्फ के अंदर भी मैग्नीशियम बहुत विग्रसली जग रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी है ज्यादा। जनरली एयर में 70% पार्ट है नाइट्रोजन गैस का और 20.8% पार्ट है कौन सी गैस का, ऑक्सीजन का, तो एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ही है कम, और वो भी एयर में मॉलिक्यूल्स आप सबको पता है बड़ी डिस्टेंस पे दूर दूर होते हैं। एयर के बाद आप बात करें लिक्विड की, किसकी बात करें, लिक्विड जो कि अपने आग बुझाने के लिए डाल रहे हैं पानी H2O, तो अपने को पता है सभी को लिक्विड में मॉलिक्यूल एयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो एयर की कंपैरिजन में वाटर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी और भी क्या है, ज़्यादा। और लिक्विड के बाद अगर आप सॉलिड H2O बर्फ के रूप में बात करो, तो मॉलिक्यूल बिल्कुल ही सॉलिड में हमेशा सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज पैक हैं, पास हैं, कि उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी पानी से भी क्या है, ज़्यादा। तो जैसे जैसे आप आग बुझाने के लिए डालते हैं पानी या बर्फ़,
मैग्नीशियम या किसी भी मेटल को मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी मटेरियल जलेगा बड़ा अच्छा, कंबशन की रिएक्शन होगी फास्ट। इसीलिए तो जैसे ही आपने डाला किसी जलते हुए मेटल पर पानी या फायर एक्सटिंग्विशर, या आपने डाली उसके अंदर बर्फ, तो उसके जलने की प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है कम होने के बजाय। अगर ऐसी किसी आप आग को बुझाना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल सेपरेट आउट कर दें, आप मिट्टी डालें या ऐसा कोई मटेरियल जो उसका एयर से या ऑक्सीजन से जो कॉन्टैक्ट है उसको रोक दें, तो वो आग पूर्ण रूप से बुझ जाएगी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो हमारा है वो समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।